हेलो। नमस्कार साथियों, आज हम इकट्ठा हुए हैं। फोन बंद कर लीजिए, बहुत सारे लोगों के फोन बज रहे हैं। एक बार फोन संभाल लीजिए अपने अपने, ये किसका फोन? सब लोग अपने फोन बंद कर लीजिए। आप सब देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके कार्यों से प्रभावित होकर बाकी सभी पार्टियों में वे तमाम लोग जो दिल्ली में रहकर सियासत या यूं कह लें कि समाज सेवा करना चाहते हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़ रहे हैं। लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का परिवार, छोटा सा परिवार, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इसी क्रम में आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से, मलकागंज वार्ड से कांग्रेस की वर्तमान पार्षदा श्रीमती गुड्डी देवी जाटव जी अपनी पूरी टीम के साथ, सैकड़ों शुभचिंतकों, समर्थकों, चाहने वालों, जानने वालों के साथ आम आदमी पार्टी के सभी वार्ड और विधानसभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रही हैं। हम सब लोग इनका हम सभी साथी, हमारे संगठन के विधानसभा के अध्यक्ष अमित त्यागी जी, हमारे संगठन के विधानसभा के संगठन मंत्री श्री छोटेलाल जी, विधानसभा के अन्य पदाधिकारी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष हरमीत भाई और वार्ड के और सभी पदाधिकारी, हम सब रमेश जाटव जी का, श्रीमती गुड्डी देवी जाटव जी का, इनकी पूरी टीम का इस छोटे से परिवार में, इस छोटे से सेवारत परिवार में हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और हमें विश्वास है कि इनके जुड़ने से न सिर्फ आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा होता है, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर, उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर यह कुनबा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। और यह संदेश देता है कि पिछले लगभग 14 साल का निगम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार पूरी दिल्ली पूरी ताकत के साथ, आम आदमी पार्टी के परिवार के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के साथ न सिर्फ लड़ेगी, बल्कि जो कुकर्म उन्होंने किए हैं, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, अपने वोट के जरिए उनके मुंह पर जोरदार तमाचा भी मारेगी। मैं एक एक करके नाम पढ़ना चाहूँगा सभी जिम्मेदार साथियों का, जिनके साथ और भी बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं। श्रीमती गुड्डी देवी जाटव जी, मैंने पहले ही बताया, निगम पार्षदा। श्री चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, अध्यक्ष मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। श्रीमती सुमन त्यागी जी, अध्यक्ष मलकागंज महिला प्रकोष्ठ। श्री त्रिलोक चंद जी, अंबेडकर क्रिकेट डे नाइट क्लब के एक्स कैप्टन। श्री हरि सिंह प्रजापति जी, प्रजापति अखिल भारतीय कुंभकार संघ के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन। रमेश जाटव जी, पूर्व अध्यक्ष SC ST मोर्चा करावल नगर जिला। श्री महेंद्र जाटव जी, अध्यक्ष शिवरात्रि कमेटी आर्यपुरा। श्री ममता सूरी जी, अध्यक्ष उम्मीद NGO। नीलम सक्सेना जी, नारी शक्ति RWA व मानव शक्ति NGO। श्री संजय प्रधान जी, भीम गली मलकागंज से।
श्री योगेश राजपूत जी, सचिव राजपूत समाज, अनिल मल्होत्रा जी 2004 से पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, श्री मदन लाल कैन जी पूर्व अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक के, श्रीमती सुधा राजपूत जी अध्यक्ष प्रोग्रेसिव वुमेन सोसाइटी, राकेश जैन जी महासचिव आर्यपुरा जैन समाज, अनुष्का जी स्थानीय केंद्र समाज के अध्यक्ष, और इनके साथ में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। इन सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और जुड़ने की, परिवार में शामिल होने की औपचारिकताएं हम आगे लेकर बढ़ें इसके पहले मैं आग्रह करूंगा कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के निगम चुनावों के प्रभारी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर, कई राज्यों के सह प्रभारी और प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस ज्वाइनिंग इवेंट को संबोधित करें। आदरणीय दुर्गेश, नमस्कार। साथियों, नमस्कार साथियों, पिछले कई दिन बड़े खुशी के दिन रहे हैं। लगातार एक से बढ़कर एक नए नाम दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और उसी कड़ी में आज हमारे साथ, जैसा कि दिलीप भाई ने बताया, तिमारपुर से निगम पार्षदा श्रीमती गुड्डी जाटव जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुड्डी जी का मैं लगातार बयान देखता हूं, उनके सारे के सारे सदन के अंदर जो प्रश्न उठाती हैं, जो काम जिस तरह से उन्होंने, एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की पार्षदा तो हैं, लेकिन काम वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पार्षदा की तरह करती हैं वहाँ पे। तो लगातार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कुरीतियों को उजागर कर रही हैं, वहाँ पे लड़ रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि गुड्डी जी के आने से तिमारपुर में ही मजबूत हुए, और साथ ही साथ पूरे नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो दिल्ली की जनता ने एक जंग छेड़ा हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमें बाहर करना है, उस जंग को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, एक बहुत ताकत मिलेगी। मैं पूरी टीम की तहत से गुड्डी जी का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि जिस तरह से वो पिछले समय में काम करती थी उससे ज़्यादा दोगुनी और चार गुनी मेहनत करेंगी और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती गुड्डी देवी जी से कि वो भी इस मौके पर अपनी बात रखें। गुड्डी देवी, नमस्कार साथियों, मैं गुड्डी देवी जाटव, ठीक वैसे ही जब एक नई बहू परिवार में शामिल होती है और लोग गाजे बाजे के साथ उसको लेके जाते हैं और एक नई जिंदगी उसकी शुरुआत होती है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी मेरा परिवार बनने जा रहा है, और तमाम मेरे साथियों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ आए, मेरा हौसला बढ़ाया। देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहले जो आपको प्रभावित करता है, जो आपके परिवार का जो मुखिया होता है, दिलीप भाई जब अभी जो 2020 में जब चुनाव हुए थे, जीत करके आए, तो बड़ा स्नेह, बड़ा एक उन्होंने सहयोग मुझे दिया, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है एक समाज के लिए कार्य करने के लिए। देखिए, राज करने आते होंगे लोग जिनकी इच्छा होगी, लेकिन मेरी इच्छा रही है दिली तौर पे कि मैं समाज सेवा करूं, और जिस क्षेत्र से मुझे चुना जाता है मैं अक्सर उसको कहती हूं कि वो मेरा परिवार है, उस परिवार के लिए और कुछ कर सकूं। और आज से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मेरा परिवार बनने जा रही है,
तो कोशिश दिल से रहेगी। कहते हैं कि वादा नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस परिवार को एक मुट्ठी में, जैसे एक बहू बांध के रखती है, उस परिवार को मुट्ठी में बांधने का कार्य मैं करूंगी। और मैं दिलीप भाई आपको भी, और दुर्गेश भाई आपको भी, और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री है, मैं कहूंगी लोकप्रिय, अभी तक मेरे साथ जो नाम लगता था वो उनके साथ लगा हुआ है, पिछले लगातार पिछले 5 साल रहे, और ये वाला साल जो शुरू हुआ हमारा, तो मुझे जुड़ने का मौका मिला है। और उस कार्य को, जनता के कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए, ऐसे ही पार्टी का सम्मान और आगे बढ़ेगा, इसको बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टोपी पटका दादी, अभी जितने भी साथी आए हुए हैं सबको टोपी पटका पहना दीजिए और बाहर फोटो कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। बाहर हम इकट्ठा हो जाते हैं तस्वीर के लिए, एक ग्रुप फोटो के लिए, आप सबको बाहर, ठीक है? थैंक यू। एक ये फोटो में, वेट 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 वेट, प्लीज।